हर साल यमुना में डूबने वाले को बचाने वाला शहंशाह अब बेघर होने जा रहा है। तीन बच्चों और पत्नी के साथ शहंशाह के सामने पूरे परिवार के रहने के लिए आवास की दरकार है। ताज नगरी के यमुना पार से यमुना की तराई में रहने वाले शहंशाह और उसका परिवार बेघर हो जाएगा। पिछले 40 वर्षों से यहां शहंशाह का परिवार निवास कर रहा है। आगरा टूंडला रेल मार्ग पर बढ़ती रेलगाड़ियों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यमुना ब्रिज और आगरा फोर्ट के बीच एक और रेलवे पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यमुना की तलहटी में 12 खंभों पर निर्माण किए जा रहे इस निर्माणाधीन पुल का लगभग 20% काम भी पूरा हो चुका है। आगरा रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय से यमुना पार के आवासीय क्षेत्र मोती महल में रहने वाले कुल 22 लोगों को ये नोटिस थमाया गया है। मोती महल में रहने वाले जिन लोगों को नोटिस थमाया गया है उनमें से एक शहंशाह भी है। शहंशाह और उसके पिता बिस्सा ने अब तक सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान बचाई है। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सहित गृह मंत्री से पुरस्कृत हो चुके शहंशाह की अब कोई सुनने वाला नहीं है। सुना है आपकी वीरता के किस्से हैं, आपने काफी सारे लोगों आपने काफी सारे लोगों की जान बचाई है, सरकार ने आपको काफी सारे पुरस्कार भी दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार ने जो सम्मान जो इज्जत दी उसे लेकर मैं बहुत खुश था, मगर आज तक मुझे इस पुरस्कार का कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। और जो घर है मेरा रेलवे क्षेत्र में आता है वो भी रेलवे ले रही है, मेरे ही साथ और भी लोग हैं उन सबके भी घर टूट रहे हैं, सब बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं। आपको बता दें कि शहंशाह को देश के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और जीवन रक्षा पदक से भी नवाजा गया है। यमुना की तराई क्षेत्र में रहने वाले शहंशाह को बचपन से ही तैराकी का बेहद शौक है। शहंशाह ने तैराकी अपने गुरु और पिता बिस्सा से सीखी है। शहंशाह महज 11 साल की उम्र से ही यमुना में डूबे लोगों को बचाने में जुट गया था। गुमनाम होने जा रहे शहंशाह का नाम आगरा शहर के साथ साथ पूरी यमुना की तलहटी में बड़े ही शिद्दत के साथ लिया जाता है। अब सरकार से अनुरोध करते हैं, काशी आवास योजना में हमारा एक मकान लागू किया गया था पिछले 19 तारीख 10वां महीना 2010 से, आज 2021 हो गई, पिछले 11 सालों में कोई सुनवाई मकान की भी नहीं हुई और न सरकार ने कोई सहायता की। अब क्या सरकार से अपील चाहते हैं? अब अपील यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे लिए कोई छत दें, जो मकान टूट रहा हमारा, हमारे सर झुकाने के लिए जगह दें और हमारे साथ साथ हमारे साथी और भी लोग हैं उन सबकी सहायता करें। शहंशाह जी, यदि अगर आप यहाँ से बेघर हो जाएंगे, यमुना किनारा आपका छूट जाएगा, फिर आप किस प्रकार से लोगों की मदद करेंगे? यहीं रहेंगे, जाना कहाँ होगा, अपना जिससे उधार विवाद लिया था भैया उसका भी देना है और जिसका लिया है उसे भी देना है, सबके लिए करना है, अपने लिए भी करना है, मगर अभी हारी मजबूरी में है, कोरोना वायरस इतना बुरा काल चल रहा है, लोग परेशान हैं, खाने तक के लिए तो परेशान थे, अब जो मकान टूटने की संभावना उम्मीदों पे कैसे इंसान खाएगा, कैसे बनाएगा और किस तरीके से जिएगा। अपने पुराने मकान से दूर होने जा रहे शहंशाह के सामने आज आवास की समस्या सामने आन खड़ी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सहित तमाम देश की हस्तियों से पुरस्कृत हो चुके शहंशाह ने अब अपनी वीरता के चलते जिन पुरस्कारों को हासिल किया है अब उन्हें सरकार को वापस लौटाने की पेशकश की है। बेघर होने जा रहे शहंशाह का कहना है कि जब उसका परिवार ही बेघर होने जा रहा है तो वे इन पुरस्कारों को कहां संजो कर रखेगा। आगरा फोर्ट और यमुना ब्रिज के बीच में आपको जल्द ही दूसरा पुल देखने को मिल जाए तो चौंकिएगा नहीं। हुआ दरअसल ये कि रेल अधिकारियों ने दूसरा ब्रिज बनाने के चलते यहाँ 20 बासिंदों को नोटिस थमाया है। अगले 15 दिनों के अंदर उन्हें यह घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना होगा। इतना ही नहीं, रेलवे ने बुलडोजर चलाने की धमकी भी दी है। रेल अधिकारियों ने जिन 22 लोगों को नोटिस थमाया है उनमें से एक परिवार यहाँ के पुराने तैराक शहंशाह का भी है। कोरोना काल में शुरू हुए इस नए ब्रिज ने अब अपना धीरे धीरे अपना मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। इसी मूर्त रूप के चलते अब यमुना के दूसरे छोर पर
एक बस्ती है जिसका नाम मोती महल है। हुआ दरअसल ये कि वर्ष 2018 के अंत में रेल मंत्रालय ने एक फैसला किया था जिसमें आगरा फोर्ट और यमुना ब्रिज के बीच में एक नए रेलवे का पुल निर्माण करने की योजना प्रस्तावित थी। शहंशाह तैराक और उसके पिता बिस्सा पिछले काफ़ी वर्षों से लोगों की जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं। शहंशाह वो नाम है जिसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और जीवन रक्षा पदक भी मिल चुका है। बड़ी हैरत की बात है कि दूसरों को जीवन दान देने वाला शहंशाह आज खुद बेघर होने जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके परिवार और बीवी बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल है। अपने सहयोगी सोनू कश्यप के साथ KM सिंह की।